तो भैया स्वागत है एक और नई हॉरर स्टोरी में। अगर आप डरना चाहते हैं, आपको डर पसंद है, हॉरर स्टोरीज कहानियाँ, सच्चे किस्से कहानियाँ जो भूतों से रिलेटेड है, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये दरअसल कहानी नहीं है, सच्ची स्टोरी है जो मैंने बचपन में कई बार सुनी थी अपने ताऊजी से। हमारे ताऊजी को गुजरे हुए 25 साल के लगभग हो चुके हैं और वो बताते हैं कि ये जो कहानी है ये तकरीबन 70 साल पहले की है। उस वक्त हमारे गांव में कहीं पर भी कोई भी लाइट वगैरह का सिस्टम नहीं था। खेतों में जाते थे तो टॉर्च लेकर जाते थे, सेल के टॉर्च होते थे, उसमें 2-3 सेल डलते थे और वो काफ़ी दिन चलते थे, तो उसी टॉर्च का सहारे से खेती का काम होता था रात के वक्त। और रात के वक्त क्या, सुबह सुबह बिल्कुल जल्दी सूरज निकलने से पहले वो अपना काम कर आते थे। तो उन्होंने बताया कि जिस वक्त वो ये घटना हुई उनके साथ, भूतिया घटना, उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 20 या 22 साल रही होगी, अच्छे खासे जवान थे, पहलवानी करते थे। और उस वक्त दो ही गांव में शौक होते थे, पहलवानी करने का या सांग करने का। तो जो हमारे ताऊजी थे उन्हें पहलवानी करने का शौक था। गाय भैंस घर में काफ़ी होती थी, दूध घी की कोई कमी नहीं होती थी, खूब अच्छे से खाना पीना होता था और खेतों में मेहनत करनी होती थी, इसलिए शरीर में जान हुआ करते थे। तो बताते थे कि एक दिन क्या हुआ कि सुबह जब वो उठे तो जैसे मैं बताया कि लाइट नहीं थी, उन्होंने माचिस की तीली जलाई और डिबिया में आग लगाई। डिबिया होती थी जिसके एक शीशी होती थी, उसमें तेल डाला जाता था और तेल उसके ढक्कन में एक छेद करके और रुई को तेल में डुबो दिया जाता था, उसकी छोटी सी हिस्सा मतलब रुई का बाहर निकाल कर उसमें आग लगाते थे तो पूरी रात जलती रहती थी। अब चूंकि धुआं बहुत छोड़ती थी तो जिस जगह वो डिबे जलती थी तो ऊपर उसके काला काला सा निशान बन जाता था, उसकी साई बनाते थे जो आँखों में डालते थे। तो बताते कि जैसे वो सुबह उठा तो उसने वो डिबिया जलाई और अपने जो जूते चप्पल थे वो पहन करके वो, और लाठी, क्योंकि लाठी उस वक्त मेन हथियार हुआ करता था, तो लाठी ली और टॉर्च ली और सुबह चल दिए खेतों में। फ्रेश वगैरह भी खेतों में ही होते थे इसलिए वहाँ पे जाके सारे काम निमट जाते थे, फ्रेश भी हो जाते थे और खेतों में जो पानी वगैरह देना पड़ता था वो भी वो दे देते थे। तो हुआ क्या कि वो जैसे घर से निकले टॉर्च और लाठी लेकर के, तो घर से थोड़े देर बाद जब खेत स्टार्ट हुए तो जाते जाते टॉर्च अचानक जलने से बंद हो गई, मतलब जलती जलती लिपचिप हुई और बंद हो गई, लुप लुपाई और वो चली गई। उसने सोचा कि शायद सेल ख़त्म हो गए, उसने सेल निकाले, थोड़ा सा उनको घिसा, क्योंकि घिसने से थोड़ा सा करंट उसमें पैदा हो जाता है, फिर से वो कुछ देर चलती है। तो उसने सेल निकाले और फिर से घिसकर उसके अंदर डाले कि शायद अब चल जाए। और जबकि उसमें सेल जो थे वो सेल नए थे, 2-3 दिन उन्हें डाले हुए हुए थे, तो बैटरी नहीं चली। तो अब अंधेरा था, दोनों तरफ खेत थे, बीच में छोटी सी चक्रोड हुआ करती है जिसमें पैदल पैदल का रास्ता होता है, या फिर जो बैलगाड़ी झोटा गाड़ी होती है वो उसमें निकल सकती थी। अब वो उसी चक्रोड में चल रहे हैं तो अचानक तो उन्हें एक आवाज़ आती है, कोई गुनगुना रहा है, जैसे नाक में बोलते हैं ना, तोतले बोलते हैं या नाक में बोलते हैं, इस तरह से आवाज़ आई, ओए ता जा रहा है, आ जा, मेरे पास आ जा, लड़ेंगे कुछ, मतलब इस तरह से उन्होंने बताया और उनके मुंह से बड़ा अच्छा लगता था। तो उन्हें लगा कि पता नहीं कौन है, सुबह सुबह शायद कोई मजाक कर रहा है, वो चलता रहा। तो लेकिन हमारे ताऊ बताते हैं कि जैसे जैसे वो चलता है तो उन्हें अचानक से पीछे कुछ महसूस हुआ कि पीछे कोई आ रहा है। अब टॉर्च तो चल नहीं रही थी तो अंधेरे में चल रहे थे, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, कुछ नज़र नहीं आया अंधेरे की वजह से। वो चलते रहे। अब खेतों को चलते चलते वो अपने खेत पर पहुँच गए, वहाँ जाकर फावड़ा उठाया और पानी वानी देना शुरू कर दिया। लेकिन उस ज़माने में क्या है कि छलावे बहुत होते थे, लेकिन उन्हें भगाने के कई कई सारे किस्से ट्रिक हमने सुने थे, जैसे कि उनके आगे नंगे हो जाओ, सारे कपड़े निकाल दो तो वो भाग जाते हैं, या फिर लोहे का कोई अगर पास हथियार है उसको अपने पास रखो तो उससे भी डर के वो भाग जाता है, कुछ कलमा वगैरह पढ़ लो तो उसके डर से भी वो भाग जाता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी थी अपने ताऊ के मुँह से। लेकिन जो हमारे ताऊ था वो कहने लगे कि मैं किसी के आगे नंगा क्यों हूँ, क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ, मतलब उनका ईगो था जो मानिए या ताकत या जवानी का जोश। तो उन्हें पता चल गया था कि यहाँ पर छलावा वगैरह है,
और वो उनसे मजे कर रहा है। तो जब वो खेतों को मतलब पानी दे रहे थे, डोल वोल जो भी थी उसमें फावड़े से काम कर रहे थे, तो उन्होंने फावड़ा साइड में रखा और फिर अपने घर के लिए निकलने वाले थे, तो उसके सामने आके खड़ा हो गया। जो छलावा था वो बिल्कुल ठीक सामने आके खड़ा हो गया, और इंसान के रूप में, क्योंकि छलावे बोलते हैं ना कि किसी का भी रूप ले सकते हैं, वो जानवर का, पशु पक्षी, किसी का भी रूप ले सकते हैं, उन्हें इस तरह से मतलब बने हुए हैं। देखो ये कभी किसी ने देखे होंगे, सिर्फ जो कहानियां हैं उनमें ही हम सुनते हैं, आपने या आपके पिताजी ने, हमने या हमारे पिताजी ने शायद ही कभी देखा हो। तो वो बोलते हैं कि मेरे ठीक सामने आकर खड़ा हो गया बिल्कुल पहलवान टाइप, और बोलने लगा वही तोतली आवाज़ में कि तुम क्या पहलवानी करते हो, आ जाओ मुझसे लड़ो, मैं बताऊँगा तुम्हें। तो जो हमारा ताऊ जी थे कहने लगे ठीक है चल तुझे बताता हूँ मैं। वही हमारा ताऊ उसे अखाड़े में चले गए दोनों। वहाँ पे पहले क्या हर खेतों में मतलब खेत एक दो खेत छोड़कर अखाड़ा कहीं ना कहीं बना लेते थे प्रैक्टिस करने के लिए। जो पहलवान लोग होते हैं ना वो खेतों में ही ज़्यादातर अपने खेत का कुछ हिस्सा छोड़कर उसमें प्रैक्टिस करते थे। तो वो उसमें ही लेके चले गया, कहे चलो यहाँ पे मैं तुम्हें देखता हूँ। वो उनकी दोनों की लड़ाई हुई और दोनों तकरीबन आधा घंटा लड़ा, और नॉर्मल इंसान आप या हम 5 मिनट में 6 मिनट में हम पूरे हाफ जाएंगे, हमें सांस नहीं आएगा, पूरी तरह हम थक जाएंगे लड़ते लड़ते। लेकिन जो पहलवान होती है उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और उस वक्त तो और भी ज़्यादा मेहनत थी। एक तो पहलवानी की मेहनत, ऊपर से खेती की मेहनत, और कहीं आना जाना होता तो वो पैदल होता था ये साइकिल से, तो पूरा शरीर जो है ना सुबह उठने से लेकर सोने तक मेहनत करता रहता था। तो उनकी जो कैपेसिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो आधे घंटे से जब मतलब उल्लड़ तरह कभी वो नीचे, कभी छलावा ऊपर, कभी छलावा नीचे, वो ऊपर, मतलब एक दूसरे के वो पटकी देते रहे। और जैसे कि मैं बताया कि तो रात का वक्त था, जब सूरज निकलने से पहले होता है ना फजर का वक्त, जब अजान होती है उस वक्त वो चले थे, ज़्यादातर अजान पे ही चलते थे। और फिर उसमें आधा पौन घंटे का समय होता है, एक घंटे के बाद सूरज निकल जाता है। कुछ देर जाने में लग गई, फ्रेश होने में लग गई, फिर वहाँ पे पानी वानी दिया, और जब आ रहा था तो सूरज निकलने में मुश्किल से आधे घंटे ही रहूँगा। उस वक्त लोगों की चहल पहल होनी शुरू हो जाती है। तो कुछ लोग जब वो लड़ते लड़ते हो गए थे, जो मेरे ताऊ था वो मतलब उसे कंटिन्यू लड़ रहा था, तो उधर से 2-3 लोग आए, उन्होंने देखा कि सुबह सुबह कौन प्रैक्टिस कर रहा है। जब ये दोनों लोग भाग कर दौड़ कर आए तो वो जो छलावा था वो फिर वहाँ से छोड़ करके मैदान भाग गया। और वे जो दोनों लोग आए खेतों में, जो मेरे ताऊ के मतलब पड़ोसी थे, वो उसके पीछे भी भागे लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आया। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन था और तुम सुबह सुबह ऐसे कैसे। लेकिन आधा घंटा लड़ने के बाद भी मेरा जो ताऊ था वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हाँ अभी इसमें थोड़ा सा जोश बाकी है। तो उसने बताया कि ये पता नहीं कौन था, मैं जानता नहीं था, और बहुत देर से उससे वो लड़ रहा था, आधे घंटे से ज़्यादा मैं उससे लड़ रहा था, कभी वो मुझे चित करे कभी मैं उसको पटक दूँ। पटका पटकी में इतना समय गुजर गया था कि उसे पता न चला। लेकिन मेरे ताऊ बोलते हैं, बताते थे कि वो अंदर से तो डर रहा था कि मैं कब तक इसे रोक पाऊँगा, क्योंकि वो बहुत ताकतवर होते हैं। और ऐसा आपने कभी सुना होगा कि जो छलावे होते हैं उन्हें लड़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है, खासकर कुश्ती लड़ने का। आज के समय में तो ये शायद ना भी मिले, क्योंकि उनकी फेवरेट जगह अंधेरा होती है, जहाँ पर अंधेरा होता है वहाँ पर वो होते हैं। आजकल हर जगह लाइट वगैरह है, तो शायद ये किसी को दिखे या कोई इनके बारे में कुछ सुने। हमने तो बहुत कहानी सुनी है इसके बारे में। तो उन्होंने बताया कि आधे घंटे तक छलावे के साथ लड़ा और फिर वो वहाँ से भाग गया। तो दोस्तों ये बिल्कुल सच्ची घटना थी जो मेरे ताऊ ने कई बार हमें सुनाई थी। अब चूँकि मुझे लगा कि यार क्या सुनाने से क्या फ़ायदा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि YouTube पर बहुत लोगों को इस तरह की कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो मैंने सोचा कि चलो ये चीज़ मैं शुरू करता हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मैं अपने चैनल पर हर रोज़, अभी तो हर रोज़ नहीं लेकिन 2-4 दिन बाद हर रोज़ आपको एक हॉरर किस्सा, बिल्कुल रियल किस्सा मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा। अगर आपने इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, प्यार दिया, तो मैं इसको आगे लेकर जाऊँगा।